Hey guys, I'm on this side, your yoga and fitness instructor. Hope you all are doing great. हमने therapeutic yoga के sequence start कर रखी है, तो आज हम जिस area को target करने वाले हैं, वो है lower back. Back issues किसने मेरे को बोला था comment में कि आपको next video back issues, back pain पे बनानी चाहिए. So that's why I'm here with this video. एंड अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि बैक में भी आपको पहले अपना एरिया टारगेट करना है कि कौन से एरिया में आपको पेन आ रही है. लाइक इफ इट्स इन द बैक, बैक में तीन पोर्शन होते हैं, लोअर, अपर एंड मिडल. आपको देखना है अगर लोअर बैक है, लोअर बैक में भी कभी कभी साइड्स में आती है, स्पेसिफिक लेफ्ट या राइट साइड कौन सी साइड में आ रही है, आप उसको टारगेट करोगे. पहले आप देखो कि आपकी पेन है कहाँ पे. अगर मान लो आपको लोअर बैक के साइड में पेन हो रही है, तो अगर आप लोअर बैक सिंपल वाली एक्सरसाइज करोगे तो उससे वो चीज़ ट्रीट नहीं होगी. तो जब भी आपको पहले आप चेक करो कि आपको कौन से एरिया में पेन आ रही है, उसके बाद सही स्ट्रेचिंग दोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट वार्म अप. सो अभी स्ट्रेचिंग देने से पहले आपको लाइट उस एरिया को एक्टिव करना है. लाइक यू नीड टू एक्टिवेट योर बैक. सो फर्स्ट वील डू विद वार्म अप. इट्स क्वाइट नॉर्मल. सो फर्स्ट कम इन दिस पोजिशन, क्रॉस लेग पोजिशन में आना है. सो नाउ टेक अ हैंड बैक लाइक दिस, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, मूव टू साइड्स. हो सकता है ये करना भी आपके लिए मुश्किल हो, तो आप बिल्कुल लाइट मूवमेंट करोगे. ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड. डू इट 5 times. फर्स्ट वार्म अप ये है. सेकेंड आप करोगे टेक अ हैंड से, ब्रीद इन, टेक अ हैंड्स अप, कीप अ लोअर बैक इन, ब्रीद आउट, टेक अ हैंड्स डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन. इट विल एक्टिवेट योर अपर बैक, अप एंड मिडल बैक. इन आउट, डू इट 5 times. सो नाउ लास्ट वन, स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट, सेपरेट 1 or 2 feet अपार्ट. नाउ स्ट्रेच योर हैंड स्ट्रेट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड. बिल्कुल लाइट मूवमेंट देनी, क्योंकि आपको पेन पहले से है, तो अभी आपके वार्म अप के लिए बहुत लाइट या फिर ऑप्शन ही है. हाथ यहाँ पे रखो, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट साइड. तो अभी हम लोअर बैक का कवर करने वाले हैं, लोअर बैक सेंटर और साइड्स. उसके लिए मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी कि आपको कौन सी एक्सरसाइज किस फॉर्म में करनी है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. अभी आप करोगे जस्ट लाई डाउन. सो स्ट्रेचिंग के लिए आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करोगे. उल्टे लेटो, टेक योर एल्बो डाउन. अब मैं बता देती हूँ, गलत भी नहीं बोल सकते, बट उससे थेरेपिटिक योगा में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए. तो अगर आप इस एंगल पर रख के स्ट्रेचिंग दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. सो फर्स्ट टेक अ हैंड्स बैक, एल्बो नीचे रखनी, टेक अ हेड डाउन, चिन डाउन इन दिस पोजिशन, टेक अ हैंड्स मैक्सिमम बैक. इस लेवल पे पीछे लेके जाना है. अगर आप मैक्सिमम बैक ले चुके हो, सो नाउ बॉडी अप. इस लेवल तक उठाने की आपकी एल्बो नीचे रहे और ऊपर देखना है. स्ट्रेचिंग आपको लोअर बैक में फील होनी चाहिए. नाउ डू ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. डू 5 deep breathing इन दिस पोजिशन, देन टेक अ हेड डाउन. ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है, और एक करते टाइम आपको थोड़ा सा पेन आएगा, सो यू नीड टू बी पेशेंस. सो नाउ 3 हो जाने के बाद, जब आप ये 3 कवर कर लोगे तो आपको रेस्ट करना है 30 seconds. टेक अ क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस, नाउ टेक अ हेड डाउन. इस पोजिशन में आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है, 30 seconds मैक्सिमम. सो ये है अगर आपके सेंटर पोर्शन में हो रही है लोअर बैक की पेन. लेकिन अगर वो पेन हो रही है साइड्स में, लाइक लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो आपको टारगेट करना है. तो उसके लिए स्ट्रेचिंग अलग है. उसके लिए आपको चिन डाउन करना है, आपके हाथ चेस्ट के साइड में होने चाहिए. सो लिफ्ट योर बॉडी अप, प्रॉपर स्ट्रेट और एल्बो स्ट्रेट करना है दिस पोजिशन में. टर्न योर नेक और ऑपोजिट फुट को देखोगे इस पोजिशन से. अगर आप लेफ्ट साइड से टर्न कर रहे हो तो आप राइट साइड को देखोगे. इस पोजिशन में डू ब्रीद इन, ब्रीद आउट. मैक्सिमम ब्रीदिंग करनी है जितनी आप कर सकते हो, और अगर आप एवरेज, मतलब वो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट अप्रोक्सीमेटली जितने से आप शुरू कर सकते हो वो आपके ऊपर ही डिपेंड होने वाला. सो लुक बैक एंड डू मैक्सिमम ब्रीदिंग, देन गेट डाउन, रिलैक्स फॉर 5 seconds. अगेन लिफ्ट योरसेल्फ अप, टर्न योर बॉडी, टर्न योर नेक एंड लुक टू ऑपोजिट साइड. डू 5 breathing और जितनी आप कर सकते हो उतनी ब्रीदिंग देनी है आपको. देन टेक अ हेड डाउन, चेन डाउन,
ऐसे आप करोगे दो बार मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो और कितने आपके बॉडी में इशू है उस पर डिपेंड करेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ से हैंड्स क्रॉस करने लाइक दिस एंड टेक ए हेड डाउन, 30 सेकेंड से 1 मिनट की रेस्ट लोगे अभी आप इस पोजिशन में, उसके बाद में कम आप। और थेरेपीटिक योगा में ध्यान रखना है, कभी भी आप एक्टिव फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करोगे, इजी फॉर्म में करना है, स्लो फॉर्म में करनी है जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना, ये करते हैं पेन आएगी जो मैंने आपको पहले बता दिया है। एंड अगर आपको पेन नहीं आ रही है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो चेक करो सेल्फ की कहाँ गड़बड़ा हो सकता है। एल्बो की पोजिशनिंग में करो तो आप चेक करोगे कि आपकी गड़बड़ कहाँ हो रही है, उसके बाद आप सही से करोगे तो आपको करते करते ही ठीक हो जाता है। यू डोंट नीड टू वेट, मेरे थेरेप्यूटिक योगा में जो भी मैं आसन बता रही हूँ उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बिकॉज हमने ये ट्राई कर रखे है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो ये करते करते आपको बेटर फील होगा। इनका इशू है कि आप इसको कब कर सकते, इसमें ध्यान रखना है खाना खाने के बाद नहीं करोगे, थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है तो आप इसको खाना खाने के बाद नहीं करोगे। आपको हमेशा इसको जब भी आप कर रहे हो या तो खाली पेट करना है, या फिर सेकेंड है या तो आप इसको खाली पेट करोगे या फिर मान लो आप शाम के टाइम करोगे जब आप खाना खाए हुए, कम से कम खाना खाने के 3 घंटे के बाद ये कर सकते हो, उससे पहले नहीं करना है। ये ध्यान रखना है आपको जब भी आप ये स्ट्रेचिंग दे रहे हो। ये स्ट्रेचिंग आप कितनी बार करोगे, दिन में 2 बार करोगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसमें एक प्रिकॉशन रखने की, आप खाना खाने के बाद इसको नहीं कर सकते हो, वो जो मैंने पहले की बता रखी है आप उसमें कर सकते हो क्योंकि उसमें हैवी मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपका प्रॉपर स्टमक इन्वॉल्व हो रहा है। सो कभी भी आप खाना खाने के बाद ये स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, कम से कम खाना खाने के 3 घंटे बाद आप ये स्ट्रेचिंग दे सकते हो, लेकिन एकदम बाद ये चीज़ नहीं करनी है। तो नीड टू वेट फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद ही करोगे। और इतनी ही इफेक्टिव एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव स्ट्रेचिंग है कि आपको करते करते ही रिलीफ फील होने वाला है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा फील होगा और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी आप कितनी ज़्यादा ब्रीदिंग करोगे। अगर मैक्सिमम ब्रीदिंग 5 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 30, 40, 50 इतनी आराम से लेके जा सकते हो। अगर आप थेरेप्यूटिक की फॉर्म में कर रहे हो, टाइम जरूर लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रीद आउट करना है और उसमें पेन भी आएगी, लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट नाउ, प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।